हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यू कैन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और गैस क्वेश्चन गैस क्वेश्चन पेपर सो एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं आपको एक गैस पेपर और सैम्पल पेपर आप कह सकते हैं प्रोवाइड करूंगी एम एज इलेवन का और बाकी एम एज पे भी अगर पॉसिबल होगा तो उनके एग्जाम से पहले एक गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड होगा तो ये जो क्वेश्चन पेपर जो पेपर आपके सामने है इस पेपर की फॉर्मेटिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है ठीक है तो अब कुछ बेसिक बातें अगर हम कर लें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सबसे पहले मतलब कि सेक्शन ए से आपको एक करना है दो क्वेश्चन आपको चॉइस में मिलेंगे दो में से एक करना है और सेक्शन बी में आपको जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपको कोई भी फोर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वन थिंग ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसकी नंबरिंग ठीक डालें जैसे कि सपोज़ आपने क्वेश्चन नंबर फोर अटैम्प्ट किया उसके बाद आप सेवन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो फोर के बाद जो नंबरिंग है वो डायरेक्ट आप सेवन डालिए ठीक है कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं फोर के बाद कर रहे हैं तो नंबरिंग सीक्वेंस से डाल देते हैं फोर के बाद फाइव डाल देते हैं नहीं ऐसा नहीं करना है क्योंकि जैसे ही आप सीक्वेंसिंग फाइव डालेंगे इसका मतलब क्या फाइव वाले क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमेशा सीक्वेंसिंग जो है वो बिल्कुल वही डालनी है जो आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में होगी अब जो इसका क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट है इसका सेक्शन ए का द अमेरिकन नावल ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी पोर्ट्री द इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद द सोसाइटी डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ एनी टू नावल्स ट यू हैव स्टडीड तो जो कोई भी इस कम्प्लीट बुक की अगर मैं बात करूँ तो पूरी बुक में कोई भी दो नोबल उठाइए और उसके कॉन्फ्रेंस में आप इसको डिस्कस कीजिए इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन है अटेम्प्ट क्रिटिकल एस ऑन नेचुरलिज्म इन अमेरिकन फिक्शन अमेरिकन फिक्शन का नेचुरलिज्म आपको एक्सप्लेन करना है अब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा क्योंकि जो कम्प्लीट नावल है दैट इज़ एम जी एलेवन ये क्या है अमेरिकन नावल राइट right. तो अमेरिकन नोवेल जब नोवेल ही हमारा तो इसमें क्या नेचुरलिज्म प्रेजेंट किया है उस चीज़ को आपको प्रेजेंट करना है किसी भी नोवेल के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं ऑप्शन में है ये आप फर्स्ट वाला करना चाहिए या सेकंड वाला करना चाहिए इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू अब बात आती है सेक्शन बी की थोड़ा सा ध्यान रखना है सेक्शन ए से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है सेक्शन बी से आपको फोर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं अब सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड फिक्शन एज डिपिक्शन इन द लास्ट ऑफ मोहिकन्स तो जो नावल है आपकी द लास्ट ऑफ मोहिकन ये क्वेश्चन वहाँ से पुटअप किया गया है नेक्स्ट है एग्जामिन सिस्टर कैरी एज़ अ नोवल ऑफ आइडियाज़ तो सिस्टर कैरी नावल से आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि उसमें किस तरीके के आइडियाज़ को प्रेजेंट किया गया है क्या चीज़ें उसमें बायोग्राफिकल तो नावल सबको बताना है कि जो ग्रेट गेट्स एन नोवल है वो किस तरीके से ऑटोबायोग्राफी है जो इसके नावलिस्ट हैं उनकी तो इसको डिस्कस करना है आपको प्रॉपर तरीके से हाउ आर रिलीजियस अ लाइट इन ऑगस्ट लाइट इन ऑगस्ट में किस तरीके से रिलीजन को प्रजेंट किया गया है क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस द इन द राय एज अ कमिंग ऑफ एज नावल कमिंग ऑफ एज नावल का मतलब है कि जो अपनी एरा से एडवांस आरा में लिखी गई है राइट right. तो किस तरीके से है ये आपको इलाबोरेट करना है जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है इट मीन्स यू हैव टू इलाबोरेट द कम्प्लीट सामबरी ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉवल राइट तो वो नॉवल आपकी कोई भी हो सकती है यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो किससे आया है द कैचर इन द द्राइस है तो आपको यहाँ पे कम्प्लीट इलाबोरेट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज़ ए हाउस मेट ऑफ डॉन पोट्रो रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंसिस को एन एबल तो यहाँ पर रिलेशनशिप बताना है किस कौन से नोवेल में Uh, जो नोवेल थी है आपकी अ हाउस मेड फॉर डॉन इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वट वे इज द कलर पर्पल डी कंस्ट्रक्ट ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स तो यहाँ पे जेंडर रूल्स के बारे में बताना है फ्लोटिंग ऑपेरा नाइन्थ क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे इवेल्यूट द फ्लोटिंग ऑपेरा एज एन एक्सटिंग नोवेल तो फ्लोटिंग ओपेरा से ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को असेंबल किया है और इसमें कभी कभी नाइन क्वेश्चन आते हैं कभी कभी टेन और इलेवन क्वेश्चंस भी आते हैं सो so, ये एग्ज़ाम के उस पर डिपेंड करता है पर एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो एम ए जी है उसमें हर एक नोबल से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अभी हमारे पास लेस टाइम है कम टाइम है तो किस तरीके से प्रिपेयर करें तो इसका अगर मैं एक बेस्ट वे बोलूं कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है तो टोटल तो नंबर ऑफ़ नोवेल्स जो है वो आप काउंट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ़ नोवेल्स आर नाइन ठीक है टोटल नंबर ऑफ़ नोवेल्स कितनी है नाइन और नाइन नोवेल्स में से आपको जो क्वेश्चन नंबर वन है वो हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर वन जो है वो कम्प्लीट नोवेल के बेस पर पूछा जाता है चाहे तो अमेरिकन फ़िक्शन के बारे में पूछ लेगा आपसे चाहे अमेरिकन जो नावलिस्ट है उनके बारे में पूछ लेगा एग्ज़ामिनर या फिर बोल देगा कि पोर्ट्रे करो डिस्कस करो एग्ज़ामिन करो कि जो नाइनटीन सेंचुरी है उसका नोवेल वर्क किस तरीके का था या किस तरीके की सिचुएशन को प्रेजेंट मिनर ये देखना चाहता है कि आपको कंप्लीट नोवेल पढ़ने के बाद क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपके माइंड में डिस्कवर हुआ है क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपके माइंड में चल रहा है सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी तो क्वेश्चन नंबर वन तो कम्पलसरी है क्वेश्चन नंबर वन के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है जैसे कुछ लोग स्टूडेंट्स uh, बोलते हैं कि गाइडेंस वीडियो तो ये आपकी गाइडेंस वीडियो भी है क्वेश्चन नंबर वन के लिए आपको कहीं अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है आप जब अपने एग्जाम्स के लिए नोवेल को कवर करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ नावल्स आपकी नाइन है तो अगर मैं एक स्मार्ट मूव बोलूँ तो आप कोई भी सेवन नोवल्स को द बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए ठीक है सेवन नावल्स को जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका जो सेक्शन ए है वो भी कवर हो जाएगा क्योंकि सेवन नावल्स को पढ़ने के बाद आपके माइंड पे एक मैच ज़रूर बन जाएगी कि, कि किस तरीके से जो अमेरिकन नोवल्स है या फिर जो अमेरिकन नावलिस्ट है उन्होंने किस तरीके से अपने वर्क को पोर्ट्रे किया है और किस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया है राइट नेक्स्ट थिंग इज़ जब आप इन सेवन नावल्स को कर लेंगे अच्छे तरीके से तब आप जो सेक्शन बी है उसमें जब आपसे फ़ोर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली यू आर एबल टू राइट एनी फोर आंसर इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर नो no नोवल्स आप कर सकते हैं आप नोट हैं कि आप नाइन की नाइन मत कीजिए आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है देन डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर एवरी नावल लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है आपको लगता है शॉर्टेज है नहीं हो पा रहा है तो स्मार्ट स्टडी बोलती है कि नाइन की जगह पे आप सेवन नोवल्स को द बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कीजिए आपका एग्ज़ाम हंड्रेड परसेंट आई एम sure श्योर कि आप सारे क्वेश्चन एलेबोरेट uh, कर पाएंगे डिस्कस कर पाएंगे लिख पाएंगे ठीक है तो ये तो बात हुई कितने पेजेस में लिखना है दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो ऐसा मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि पहले जो आपको शीट्स मिलती हैं वहाँ पे लिखने के लिए उसको काउंट कीजिए वो कितनी हैं ट्वेंटी हैं ट्वेंटी फ़ाइव हैं थर्टी हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को प्रेजेंट कीजिए सपोज़ आपको ट्वेंटी पेजेस की शीट मिली है और आपको फाइव क्वेश्चन अटैम्प्ट इट मीन्स यू हैव टू कवर एवरी आंसर इन फोर पेजेस आपको अपने जो शीट्स हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिवाइड करनी है एग्जाम्पल के लिए अगर आपको थर्टी पेजेस की शीट मिलती है तो आप सिक्स पेज का एक आंसर लिखेंगे आप अगर ट्वेंटी एट पेजेस की एक शीट मिलती है तब क्या करेंगे ऐसा भी एक स्टूडेंट ने पूछा कि ट्वेंटी एट की अगर शीट मिलती है तो हम क्या करेंगे क्योंकि सिक्स सिक्स पेजेस तो हो नहीं पाएंगे तो आप क्या करेंगे स्टार्टिंग के तीन आंसर्स को आप सिक्स सिक्स पेजेस का कर लीजिए बाकी के दो आंसर्स को आप फाइव फाइव पेजेस का कर लीजिए ठीक है तो इस तरीके से एक प्रॉपर वे में करेंगे अब आप बोल रहे होंगे कि मैं पेजेस पे क्यों फ़ोकस कर रही हूँ सी इग्नू में कंटेंट भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए इग्नू को जो एग्ज़ामिनर है वो ये भी देखेगा कि जो आपने कंटेंट लिखा है वो ठीक है कि नहीं है साइड बाय साइड वो ये भी लिख देखेगा कि जो आपकी राइटिंग कैपेसिटी है जो कैपेबिलिटी है आप कितना लिख सकते हैं कितना एलाबोरेटिंग है आप एज़ यू नो यू ऑल आर लिटरेचर स्टूडेंट्स तो लिटरेचर स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उनका जो राइटिंग uh, वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो और बहुत ज़्यादा लिख सकें वो एलाबोरेटिव हो तो इसीलिए वो पेजेस इंपॉर्टेंट हैं इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पेजेस को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कीजिए और उसके बाद कंप्लीट शीट आपको फिल करके आनी है इफ़ यू वॉन्ट टू टेक गुड मार्क्स सो यू हैव टू कम्प्लीट इट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना ध्यान रखिए कमेंट को कमेंट सेशन में लिख दीजिए गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू